हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में एक साथ कई वर्कशीटों को कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्सेल वर्कशीट में कई सारे वर्कशीटें बना रखी हैं और आप चाहते हैं उनमें एडिटिंग करना, सारे वर्कशीट में एक साथ एडिट करना, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लें। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एमएस एक्सेल वर्कशीट को ओपन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में एक साथ कई वर्कशीटों को कैसे एडिट कर सकते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप काफी आसानी से काफी सारी वर्कशीटों को एक बार में एडिट कर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने सारे शीट को ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 शीट को क्रिएट कर लिया है, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 के नाम से। यहाँ पर आपको सारा ऊपर का स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट तीनों रिजल्ट में सेम है और जिसमें डेटा एंट्री किया हुआ है वो अलग अलग है। तो मान लीजिए मुझे कुछ भी एडिट करना हो रिजल्ट 1 में और वही एडिट सेम रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 में भी होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों शीट को ग्रुप करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप रिजल्ट 1 पर क्लिक कर कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करें और रिजल्ट 3 पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये सीट ग्रुप हो गया है। तो आप जानना चाहते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा ये सीट ग्रुप हुआ है या नहीं, तो आप आसानी से देख सकते हैं हमारा ये टाइटल बार में वर्कशीट ग्रुप लिखा हुआ शो करेगा। तो आप इससे पता कर सकते हैं हमारा ये सीट जो है वो ग्रुप हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ एडिट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी रो या कॉलम के ऊपर या बगल में हम कैसे रो इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ उसी ट्रिक को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 पर क्लिक करते हैं और हम 4 के ऊपर एक रो और इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको 4 नंबर रो पर क्लिक करना है और माउस का राइट की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको इंसर्ट ऑप्शन शो करेगा। जैसे ही आप इस पर लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो हमारा वर्कशीट बुक में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इसे आप आसानी से हाइट में छोटा, बड़ा, पतला, चौड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रो को इंसर्ट कर लिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या ये जो रो इंसर्ट किया है तीनों वर्कशीट में इंसर्ट हुआ है। तो हम रिजल्ट 2 पर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट 2 पे सेम वही रो इंसर्ट हुआ है और उसी तरह रिजल्ट 3 पर भी फिल हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रीव्यू को चेक कर लिया है। तो इस ग्रुप वाले ऑप्शन को आप तभी यूज कर पाएंगे अगर आपने प्रीव्यू को देख लिया है, तो फिर से आपको ग्रुप करना होगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर फिर से ग्रुप कर लेते हैं। सिलेक्ट रिजल्ट 1 पर प्रेस कर कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कर रिजल्ट 3 पर प्रेस करते हैं तो हमारा ये वर्कशीट फिर से ग्रुप हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ जो मैंने रो को इंसर्ट किया उसमें कुछ डेटा फिट कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को फिल कर लिया है। तो फिर से हम देख लेते हैं क्या ये जो नंबर मैंने फिल किया है वो रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 में शो कर रहा है। तो फिर से मैंने रिजल्ट 2 पर प्रेस किया, आप देख सकते हैं हमारा ये नंबर रिजल्ट 2 और उसी तरह रिजल्ट 3 पर भी डेटा फिल हो गया है। अभी तक की इस वीडियो में आपने जाना कि आप कैसे ग्रुप करके रो को इंसर्ट या कॉलम को इंसर्ट कर उसमें डेटा फिट कर। अब आप सीखेंगे कि आप क्या ग्रुप कर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कलरिंग डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर प्रीव्यू हमने चेक कर लिया है तो फिर से हमें इसे ग्रुप करना होगा। तो इसके लिए शिफ्ट बटन प्रेस कर रिजल्ट 3 पर क्लिक करते हैं, हमारे ये तीनों शीट फिर से ग्रुप हो चुका है। तो चलिए हम जो मैंने इसे डेटा को फिट किया है इसे एडिटिंग कर कुछ अलाइनमेंट को सेट कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट करके और इसमें कुछ और एडिटिंग कर लेते हैं, कि कलर वगैरह को चेंज कर लेते हैं और इसके ऊपर वाले रो को भी कुछ एडिट कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग कर लिया है फॉन्ट से रिलेटेड। इसके पिछले वीडियो में मैंने इन सब ऑप्शंस के बारे में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें, उस पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना। चलिए हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे कुछ एडिटिंग कर लिया, फॉर्मेटिंग कर लिया, तो फिर से हम प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये एडिटिंग फॉर्मेटिंग किया हुआ भी ग्रुप करने के बाद सारे शीट में एक साथ एडिट हो जाता है। तो चलिए रिजल्ट 2 पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा ये सारा एडिट किया हुआ, फॉर्मेटिंग किया हुआ रिजल्ट 2 पर भी उसी तरह पेस्ट हुआ है
और उसी तरह रिजल्ट 3 पर भी हमारा वही सेम प्रीव्यू दिख रहा है। तो इस तरह से आपने सीखा ग्रुप कर आप अपने वर्कशीट को एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपको एक ग्रुप करने के बाद एक और ऑप्शन यूज हो सकता है जो है जूम इन और जूम आउट। जैसे कि अगर आप ग्रुप करने के बाद एक्सेल शीट को एक वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट करते हैं तो सेम वही जूम इन और जूम आउट दूसरे शीट पर भी होगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर मैंने ये सारे एडिटिंग को मैंने प्रीव्यू को देख लिया है, तो फिर से हमें इसे ग्रुप करना होगा। तो उसके लिए शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और रिजल्ट 3 पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये फिर से एक्सेल शीट यानी वर्कशीट ग्रुप हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ अपने वर्कशीट को जूम इन कर लेते हैं। तो आप जूम इन कीबोर्ड से और माउस से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली माउस का यूज करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड से करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसे आपको स्क्रॉल करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं आगे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ हमारा ये एक्सेल शीट जूम इन हो रहा है। और आप इसी जूम इन और जूम आउट को डायरेक्टली माउस से अपने वर्कशीट बुक के स्टेटस बार से भी कर सकते हैं, जो आपकी आपको यहाँ पर स्टेटस बार में जूम इन और जूम आउट स्लाइडर शो करता है। आप यहाँ से आसानी से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने एक्सेल शीट को जूम इन कर लिया है और उसके बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 बिल्कुल सेम उसी तरह जूम इन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये अपने एक्सेल शीट को ग्रुप कर जूम इन और जूम आउट और काफ़ी सारे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।